दीवानी परिसर गेट के बाहर कचहरी साइकिल स्टैंड के पास हुई युवक की हत्या की घटना के अभियुक्त को घटना के कुछ ही समय बाद साइकिल स्टैंड के कर्मचारी कन्हैयालाल की मदद से पुलिस द्वारा अभियुक्त को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसको देखते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार द्वारा भूमिका अदा करने वाले साइकिल स्टैंड के कर्मचारी कन्हैयालाल गौड़, अम्बेडकर चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी में मौजूद हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, एचजी सुरेश चौरसिया और पीआरडी राजू यादव को अपने कार्यालय में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, दिलशाद नामक व्यक्ति की, जिसमें भागवत निषाद नामक व्यक्ति ने उसे गोली मार दिया था कचहरी के पास, उस प्रकरण में कुछ लोगों ने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया। इसमें सर्वप्रथम जहां घटना हुई है वो एक पार्किंग स्पेस था कचहरी के पास, और वहाँ पर उसमें संचालन करते थे, उसमें संचालक जो थे उनमें से एक थे कन्हैयालाल जी। कन्हैयालाल जी ने जैसे ही उसको देखा गोली मारते हुए, वह शोर मचाते हुए उसके पीछे लग गए। अभियुक्त भागा और कन्हैयालाल उसके पीछे लगते रहे, शोर मचाते रहे, अन्य पुलिस बलों को भी अलर्ट करते हुए लगातार उसके पीछे लगे रहे, और काफ़ी जगह उसको पीछा करते हुए वह अभियुक्त जब अंबेडकर चौराहे पे आया तो वहाँ पे हमारे ट्रैफिक के 3 जवान लगे थे, जिसमें हेड कांस्टेबल विनोद राम है, होमगार्ड हैं सुरेश चौरसिया और पीआरडी के हैं राजू यादव जी। इन लोगों ने फिर से काफ़ी अदम्य शौर्य साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई। जब उन्होंने देखा कि कन्हैयालाल कह रहे हैं कि यह हत्यारा है और इसके पास वेपन है, तो जो हमारे सुरेश चौरसिया जी हैं उसने सबसे पहले उससे मोर्चा लिया, और दो सुरेश चौरसिया और राजू यादव ने मिलकर उसको दबोचा। इतने पे विनोद वहां पहुंच जाते हैं और विनोद ने उनसे उसका पिस्टल निकाल लेते हैं। तो ये जिन परिस्थितियों में ये घटना हुई है, भीड़ भाड़ वाला इलाका था, एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से आप उसकी मानसिक स्थिति समझ सकते हैं कि किस तरह से होगी, कि तुरंत हत्या किया हुआ है, लोडेड पिस्टल है, उसमें ये 4 निहत्ते आदमी लगातार सूझबूझ दिखाते हुए, धैर्य रखते हुए, विषम परिस्थितियों में साहस दिखाते हुए उसको पकड़ा है, वो काबिले तारीफ है। इसलिए इन सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, और साथ ही साथ अर्य शौर्य पदक जो संभावित हो सकते हैं, जो दिए जा सकते हैं, उस पर भी अलग से विचार किया जाएगा। इसीलिए इन 4 को आज बुलाया गया है, और हम लोग ने अपनी तरफ से प्रशस्ति पत्र दे देकर इनकी हिम्मत और हौसला।